वक्त की बड़ी और अहम खबर, कर्नाटक के बीजापुर नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम का खाता खुल गया है। एआईएमआईएम ने 4 वार्डों में लड़े थे चुनाव, लेकिन 2 वार्ड में एआईएमआईएम का परचम लहराया है। 2 वार्डों से एआईएमआईएम ने जीत हासिल की है। 25 और 28 वार्ड से एआईएमआईएम ने जीत हासिल की है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी ने डोर टू डोर चुनाव अभियान भी चलाया था और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी के आदेश पर कारवन के विधायक कौसर मुहिद्दीन और याकूतपुरे के विधायक सैयद अहमद पाशा कादरी और एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से चुनाव अभियान चला रहे थे और कौसर मुहिद्दीन ने बीजापुर के नगर निगम चुनाव में पूरी तरीके से खिलाबंदी भी कर दी थी। लेकिन आज 2 वार्डों पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की है। 25 वार्ड से जो कि एनआरसी खाला बहुत ही इनके रसूख है, इन्होंने कामयाबी दर्ज की है। असदुद्दीन अवैसी ने बीजापुर में अपनी सभा में एनआरसी खाला को वोट डालने के लिए जनता से अपील भी की थी। इन्हें लोग एनआरसी खाला के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका नाम है सूफिया। वार्ड 25 से इन्होंने जीत हासिल की तो वार्ड 28 से भी एआईएमआईएम ने जीत हासिल की। जुमला 35 वार्ड है नगर निगम चुनाव में, लेकिन एआईएमआईएम ने 4 वार्डों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 2 वार्डों पर एआईएमआईएम ने अपना परचम लहरा दिया है और खाता खोल दिया है। अब दोनों ही वार्ड में एआईएमआईएम के खेमों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। अब असदुद्दीन अवैसी के आदेश पर दोनों ही वार्ड में विकास कार्य होंगे। असदुद्दीन अवैसी ने यहाँ की जनता से वादा किया और यहाँ की जनता ने भी असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को आशीर्वाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरफ। सो वार्ड वाले का सबका शुक्रिया, सब भी बहुत मेहनत कर को एआईएमआईएम पार्टी से मुझे जीत को लगाई। अब उनका जो भी मसला है मैं हल करने वास्ते तैयार हूँ। असदुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करती हूँ, उन्होंने आए के बाद मुझे बहुत हिम्मत हुई और उनकी पार्टी भी मैं बहुत उनकी पार्टी से सब भी मुझे बहुत हेल्प करे और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सो वार्ड वाले को अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम वोटर्स हैं जो हमने वोटिंग करे हैं और जो नहीं करे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारे अपोज कैंडिडेट हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने एक हमारे अपोज रनिंग की वजह से हमने एक हर नमूने से चारों तरफ से चौकन्ना रहना पड़ा। अगर 1-2 कैंडिडेट रहते तो हम गफलत में रहते थे। अल्लाह के फजल करम से हमारी बहुत अच्छी कामयाबी हुई और 50% एमआईएम के सीट आए, जो 4 दिए थे उसमें 2 आए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शनों में और इससे ज़्यादा भी आएंगे, और हमारा ओएसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और हमारे कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और हमारे सिटी के प्रेसिडेंट हैं, और पूरे हैदराबाद टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे कैनवसिंग में वो आए अपना कीमती वक्त निकाल कर, और हैदराबाद के एमएलए कॉरपोरेटर पूरी टीम मिलाकर हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, शुक्रिया। ये कितने वोट लिए टोटल? 18 या 16 वोट लीड से आया हूँ मैं। टोटल वोटिंग कितनी? टोटल मेरी अभी कुछ आइडिया नहीं है, टोटल 5267 कुछ टोटल वोटिंग हुई। लीड कितना हुआ अभी मुझे? इधर आओ, आओ ठहरो जरा, तुम आओ। क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको? इनको एनआरसी खाला बोलते, इनको एनआरसी खाला बोलते। अब आपसे शिकायत क्या है, हम पूरे भारत में जुलूस निकाले, पूरे हर जगह पे पूरा मन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आप खामोश हो गए, उसके बाद ठंडे पड़ गए। खड़ी भी है, मैं आपको इनको कामयाब करना है।